हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म फिल करके आपको बताने वाले हैं, जो कि निकाली गई है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। वेरियस पोस्ट के लिए 1137 वैकेंसीज आपके लिए इनवाइट की गई है, जहाँ पर 10th RTI डिप्लोमा ग्रेजुएट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, नोटिफिकेशन वाइज हम देख लेते हैं कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कितनी कितनी वैकेंसीज निकाली गई है, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या रखा गया, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, अदरवाइज यहाँ पर जो है आपके लिए एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है। तो गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि 27/3/2020 यानी कि 27 मार्च से इसका फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 अप्रैल तक इसका रखा गया है, और जो एप्लीकेशन फ़ी है इसकी जो डेट है 22 अप्रैल तक इसका जो फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं गाइस। और एक बात गाइस, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें गवर्नमेंट जॉब की इसी तरह पल पल की अपडेट पाने के लिए। वहीं पर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज पोस्टपोन कर दी गई, देख सकते हैं 3 से लेकर 24 तक, फिर आपका यहाँ पर 27 से लेकर 30 तक, और एक 32 जो कैटेगरी हैं उनको यहाँ पे जनरल कोटा में आप देख सकते हैं मेल के लिए 100 रुपी लगेगा और फीमेल के लिए 50 रुपीज़ लगेगा। वहीं पर कोड वाइज यहाँ पर जो भी आप देख सकते हैं अंक में, इसमें 150 लगने वाला है और यहाँ पर फीमेल के लिए 75 रुपया लगने वाला है। याद रखेगा इस, ये ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन अदर स्टेट से, हरियाणा को छोड़कर आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जनरल में ही गिनती आने वाले हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हरियाणा डोमिसाइल जो भी कैंडिडेट हैं उनको फीमेल के लिए जो है 13 रुपया और मेल के लिए 25 रुपया लगेगा। वहीं पर इस पोस्ट के लिए यहाँ पर 35 रुपया लगेगा और फीमेल के लिए 18 रुपया लगेगा। तो देख सकते हैं, और टोटली आप इसको जो ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट जो है वो कर सकते हैं गाइस। एज लिमिट देख सकते हैं 17 साल से लेकर 42 वर्ष के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अदरवाइज जो भी एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाली है टोटली गवर्नमेंट जॉब के अनुसार आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। लेकिन कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको जो भी रहेगा वो जनरल कोटा का ही आपको चुना जाएगा। तो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, एक्चुअली आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करके एक बढ़िया से रीड कर लीजिएगा गाइस। यहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज कैटेगरी वाइज क्या क्या है, उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट में आपको जो आसानी होगी। देख सकते हैं ये पोस्ट, जैसे ये कैटेगरी नंबर 1 है तो ये कितने सारे पोस्ट, यहाँ पे 6 पोस्ट पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो ये कैटेगरी किसकी है, आप यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हैं, जो भी आपका तहसीलदार के लिए पोस्ट यहाँ पर वैकेंसीज है, इसमें क्या क्या एलिबिलिटी रखा गया, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन यहाँ पर एलिजिबल हैं, टोटली इसके वाइज आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि बीए बीकॉम वाले यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कैटेगरी 2 है, इसमें टोटल आप देख सकते हैं ये जो आपके लिए पोस्ट निकल गई है वो टोटली आपका कानूनगो की पोस्ट है, तो यहाँ पर टोटल 21 पोस्ट है। और ये कौन सी कैटेगरी वाइज इसको देख सकते हैं, पे स्केल क्या रहने वाला, एज इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, अदरवाइज क्या क्वालिफिकेशंस रखा गया है, बीए बीकॉम। तो फाइनली गाइस, जब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो अपना कैटेगरी वाइज टोटली डिफाइंड कर सकते हैं, एक अच्छी लेवल पर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन इसको तैयार किया गया है। और ये बिल्कुल देख सकते हैं, जहाँ पर 10th, 12th RTI डिप्लोमा ग्रेजुएट वाले सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं, सबके लिए अलग अलग पोस्ट वाइज वैकेंसी जो है इनवाइट की गई है, इसको देख लीजिएगा गाइस डाउनलोड करके अच्छे से। उसके बाद चलिए बात करते हैं इसका जो फॉर्म है आपको कैसे फिलअप करना ऑनलाइन। तो गाइस, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, एक अप्लाई ऑनलाइन करके उस लिंक को आपको ओपन करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे आपके पोस्ट यहाँ पर, जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं राइट साइड में आपको अप्लाई ऑनलाइन का आपको प्रेस देगा दिखेगा ब्लू कलर का, इसको जस्ट आपको ओपन कर देना है एक अप्लाई हेयर पे, ताकि आप देख लीजिएगा जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसी पोस्ट के लिए कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान से आप इसको रीड कर सकते हैं, और आप कौन से पोस्ट के एलिजिबल हैं ये आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए, मैं आपको एक अप्लाई करके प्रेस इस तरह प्रेस कर दीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको टोटली फिल करना है। तो यहाँ पर आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का आपको इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, आप चाहे तो इसको रेडअप कर सकते हैं, अथवा न्यू आइएगा यहाँ पर नीचे और यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो गाइस, फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर फिल करना है, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आर यू अप्लाइंग फॉर योर सेल्फ और बाय साइबर कैफे पर्सन, यानी कि आप साइबर कैफे से अप्लाई कर रहे हैं या अपना खुद से अप्लाई कर रहे हैं। अगर साइबर कैफे से अप्लाई कर रहे हैं तो यस कीजिएगा, अथवा यहाँ पे नो कर दीजिएगा। अगर आप इस जगह नो करते हैं तो यहाँ पे मांगा जा रहा नेम ऑफ द पर्सन हु इज फिलिंग द फॉर्म, यानी कि
वो पर्सन का जो नेम, कितना पर्सन है जो आपको फॉर्म जो फिल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑफ द पर्सन विज फिलिप, यानी जिस पर्सन का आप फॉर्म फिल कर रहे हैं इसका मोबाइल नंबर आपको एंटर करना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे अगर यस करते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके क्लोज हो जाएंगे और पोस्ट अप्लाइड फॉर, फिर से अपने अपना पोस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, यानी कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपको जानते हैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, अप्लाई किए जो आपको अप्लाई हियर पे क्लिक किए, लेकिन फाइनली आपको यहाँ पर भी मौका दिया जा रहा है। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट को यहाँ पे एक्चुअली आपको फिल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपको एप्लीकेंट नेम अपना यहाँ पे नेम फिलअप करना है, जो कि आपका टोटली ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और 10th के मार्कशीट बेसिस पे अपना नाम फिलअप कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपना फादर्स नेम फिल कीजिएगा, फिर यहाँ से अपना मदर्स नेम फिल कर लीजिएगा, DOB यहाँ पे अपना DOB आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं फिल करना है, यानी अपना यहाँ पे DOB फिल करने का ऑप्शन मांगा जाएगा, तो यहाँ पे फिल कर लीजिएगा DOB, अपना डेट ऑफ बर्थ जो भी फिल कीजिएगा गाइज, ये डेटा 10th के मार्कशीट बेसिस पे और राइट फिल कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेरिटियल स्टेट अपना जो मैरिड है अनमेरिड है आप यहाँ पर जो भी देख सकते हैं, या फिर डिजर्ड वोमेन, या फिर डिवोर्स यानी कि आपका डाइवोर्स हो चुका है, आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ से, आप जो भी हैं अथवा यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे गाइस, नेक्स्ट देख सकते हैं वेदर यू आर एनी पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन में आपका यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट जॉब में है, तो यहाँ पे यस अथवा नो अपने हिसाब से जो भी आपको सेलेक्टेड हो गए वो फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपका वेदर यू आर द फर्स्ट द सेकेंड चाइल्ड अगेंस्ट फादर हैड डेड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 42 ईयर्स, आप देख सकते हैं इसको, आप अगर यस यहाँ पे नो है तो आपको अपने हिसाब से जो आपके होंगे वो आपको फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फेंगे, फिर आपको यहाँ पे एज 15 ईयर्स यहाँ पे दिया गया है, इसमें भी आपको जैसा होगा तो यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देख सकते हैं कि आप हरियाणा स्टेट से मतलब स्टेट वाइज शेड्यूल कास्ट या फिर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो अपने हिसाब से यस और नो, अदर स्टेट के लिए कीजिएगा तो नो कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी संस्कृत और वन द सब्जेक्ट मैट्रिकुलेशन हायर, यानी कि मैट्रिकुलेशन या फिर हायर एजुकेशन जो भी डिग्री है आपकी, क्या उसमें कोई सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत का है दोनों में से किसी का, तो अपने हिसाब से यस है तो यस आपको कर देना, अथवा यहाँ पे नो है तो यहाँ पर नो का भी ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं आर यू वर्किंग, आप देख सकते हैं यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर गवर्नमेंट जॉब में या फिर कोई अंडरटेकिंग पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में है, तो आपको यहाँ पे यस करना है अथवा नो कर देना, आप हैं तो यस अथवा नो कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, कि आप डोमिसाइल हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में जन्म लिए हैं अथवा नो, यहाँ पे यस जो है आपके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एंड में हैव यू अप्लाइड फॉर एरियर अगेंस्ट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 3/2019 और 7/2016 एंड हैव डिपॉजिट द रिक्वेस्ट फी, आप देख सकते हैं द पोस्ट, यानी कि यहाँ पे वैकेंसीज आउट की गई थी 3/2019 और 7/2016 में, तो उसका जो फॉर्म आपने फिल किया था और उसका जो रिक्वेस्टेड फी यानी कि जो आपका जो फॉर्म फी है वो आपने फिल किया था और आपको पेमेंट भी किया था, तो आपको यस अथवा नो यहाँ पे अप्लाई कर देना जो आपके डेबिट में होगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक जो आपने डेटा फिल किया इसको रीचेक आपको बढ़िया से कर लेना है। फाइनली रीचेक करने के बाद नेक्स्ट आपको प्रोसीड का जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड आपका जो ओपन हो जाएगा, पर्सनल डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है, देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अब जो भी जेंडर है यहाँ पे अपना मेल फीमेल अथवा जो भी है आप इसको फिल कर लीजिएगा। फिर आपका यहाँ पे नेशनलिटी है, नेशनलिटी आपको यहाँ पे फिल करना है आपका। नेक्स्ट यहाँ पे अपना कैटेगरी आपको फिल करना है, याद रखिएगा जो आपने प्रीवियस फिल किए हुए हैं आपको शो करेगा, अदरवाइज ना शो करे तो इसको यहाँ पे फिल कर लेना है। कैटेगरी आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे, डिसेबल्ड है, ST, SC, OBC अथवा जो भी है, आप यहाँ पे टोटली आप सेलेक्ट है उसको फिल कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है PWD पर्सन यानी कि क्या आप विकलांगता है डिसेबिलिटी कैटेगरी है, तो यस अथवा नो यहाँ पे आपको जो भी है आप देख सकते हैं कौन सा आपका है अथवा क्या आपका लग रहा है कि कौन सा विकलांगता है आपके पास, तो इसको आप आराम से फिल कर लीजिएगा अथवा यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट आपका द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड, यानी कि आपको जो भी पोस्ट को आप फिल कर रहे हैं कि आपके पास उसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है आप देख लीजिएगा, ना भी मंगा गया अथवा आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको यस अथवा नो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ एक्सपीरियंस नंबर आपको फिल करने के लिए आगे बोला जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, अथवा यहाँ पे नो करते हैं तो ऑप्शन आपको बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको फिल करना है, जो आपका डिसेबल है यानी है अथवा आपको तो फिल कर देना है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स देख सकते हैं, 10th का आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लास नेम, बोर्ड नेम, क्वालिफिकेशन जो आपको फिल कर लेना है, जो आपको मैट्रिकुलेशन, पासिंग ऑफ ईयर यानी कि कब आपने जो है 10th पास किया है इसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा, जो भी है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ
डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और डेट ऑन मार्कशीट, यानी कि आपका जो मार्कशीट है उसमें रिजल्ट का डेट मेंशन होगा, वो डेट को आपको चेक कर लेना और यहाँ पे आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नेम फिल करना है, दोनों में से कोई फिल कर सकते हैं। आपका जो भी बोर्ड है, मान लीजिए हरियाणा बोर्ड है अथवा यूपी बोर्ड है अथवा बिहार बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यानी जो भी बोर्ड है आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे अपना मार्क कॉम्पिटेंट, यानी कि अपना कितना मार्क्स आपका टेंड में आया है टोटल, और यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना था। जो मान लीजिए आपका 300-350 मान लीजिए आपका मार्क्स है, वो भी टेंड हो गया, और टोटल मार्क्स आपका 500 था, तो ये आपको फिल कर लेना। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है, यानी कौन से बिहाफ से अपना जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिशियन से फिल कर रहा हूँ इसका फॉर्म, तो यहाँ पे जैसे ITI इलेक्ट्रिशियन, डिप्लोमा इलेक्ट्रिशियन किससे भी किया हो, यहाँ पे अपना नेक्स्ट आपको फिर से अपना जो फॉर्म है, आपको जो पासिंग ईयर आपको फिल करना है, फिर आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन फिल करना है, यानी जो आपने पास किया हुआ है, जो सर्टिफिकेट आपको मिला है उसकी डेट को। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी बोर्ड अथवा इंस्टीट्यूट नेम, NCVT SCVT जो भी आपने किया है आपको फिल कर सकते हैं, अथवा कोई BA से, BCOM से, डिप्लोमा से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। मार्क्स ऑबिटेंट, कितना मार्क्स आपने अटेंड किया जो भी फिल कर रहे हैं, उसका टोटल मार्क्स कितना था, बिल्कुल इसी तरह से मैनुअली इसको फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आपने प्रीवियस फिल किए हैं आपको यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट आपको एक्सपीरियंस डिटेल्स आपको फिल करना है, यानी कि क्या आप जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक्सपीरियंस अवेलेबल है, अथवा एक्सपीरियंस आपके पास है तो मैनुअली फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे नेम दे सकते हैं, डिजिग्नेशन आपकी पोस्ट क्या थी उस समय, डिपार्टमेंट कौन सी डिपार्टमेंट थे, PSU डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, फॉर्म डेट यानी कब से आपने स्टार्ट किया, कब से तक आपने किया, और प्रीमियर जॉब की टोटली मंथ कितनी थी या फिर ईयर कितनी थी, आपको मैनुअली फिलअप कर आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस है आपको यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डिटेल्स फिल करना है, परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। परमानेंट एड्रेस हो गया आपके घर का होम एड्रेस, और आपको कॉरेस्पोंडेंस यानी प्रेजेंट एड्रेस, आप अभी कहीं रह रहे हैं तो ये आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया। यहाँ से अपना देख सकते हैं स्टेट फिल कर लीजिएगा, आपका जो भी स्टेट में आप, जैसे परमानेंट एड्रेस आपका जो भी स्टेट है, जैसे कि हरियाणा है अथवा अदर स्टेट है, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपना जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। फिर अब यहाँ से अपना पिन कोड यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, मोबाइल नंबर जो भी आपका है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, ईमेल आईडी याद रखिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपका पासवर्ड याद होना चाहिए ईमेल आईडी का, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे अपना प्रेजेंट एड्रेस जो भी है फिल कर लेना है। तो बिल्कुल इस तरह से फिल करने के बाद आपको लगे कि कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और आपको परमानेंट एड्रेस किसी का अगर सेम है, तो यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा नीचे, आप इसको क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑलरेडी जो भी आपका दोनों फिल होगा वो सेम फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन फिल होने के बाद आपको फिर से अपना जो भी डेटा आपने फिल किया रीचेक कर लेना है, टोटली सही लगे तो नीचे आना है। सही आने पर जो आपको यहाँ पे जो आपको वेरिफिकेशन कोड आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको कोड को फिल कर लेना मैनुअली यहाँ पे नीचे। इसको फिल करने के बाद प्रोसीड कर देना, जो आपको नीचे बटन दिखाई दे रहा है इस पर प्रोसीड कर देना। तो यहाँ पर आपका एक एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल चुका है, अपने जो भी ट्रेड से अथवा जो भी पोस्ट अप्लाई किया, पोस्ट आपको नेम वगैरह सब कुछ दिखाई देगा, और ये आपका पासवर्ड रहा, और ये आपका जो एप्लीकेशन फ़ी रहा, यानी कि 13 रुपये जो भी आपको एप्लीकेशन फ़ी दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। गाइस याद रखिएगा, इसको एक काम कीजिएगा, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो ये सब नोट कर लीजिएगा, ये क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, देख सकते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स और फी पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है, यानी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है और फी पेमेंट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट मांगा जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नंबर अपना फिल करना है, और पासवर्ड आपको जो दिखाई दिया था वो पासवर्ड फिल करने के बाद आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ऑप्शन आएगा, वेदर यू आर एनी पर्सन फ्रॉम एमंग ऑफ द योर फैमिली विज फादर्स मदर स्पॉस ब्रदर एंड सन इज वाज और हैज़ बीन ए रेगुलर एम्प्लॉय इन वेदर डिपार्टमेंट बोर्ड कॉरपोरेशन, फिर आपका कंपनी, या फिर स्टैट्यूटरी बॉडी, आपकी कमीशन अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, या फिर स्टेट गवर्नमेंट, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर कोई जॉब है आपने नो कर रखें, तो इसके लिए आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मांगा जाएगा। बट आपने अगर हरियाणा में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो NXR E का एक वन सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, E1 सर्टिफिकेट, अगर वो आपने प्रीवियस जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था अगर 2019 में वगैरह में जो वैकेंसीज निकाली गई, तो NXR E का आपको यहाँ पे डेट फिलअप करना है, अथवा आप उसको साथ आपको डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करना है। अगर नहीं है तो आपको ये लगता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NXR E का वन का आपको साइनिंग का ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और यहाँ पे फाइनली आपको डेट भी फिल करना पड़ेगा। अथवा आप हरियाणा से फिल करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो डेट ऑफ इशू जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, यानी कि आप ST SC से बिलोंग करते हो, माइनरी कमेटी से, तो इसका जो सर्टिफिकेट का आपको डेट यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। अगर आपने अभी इशू करवाया, अभी बनवाने दिया है, तो इशूंग अथॉरिटी ऑफ यहाँ पे सर्टिफिकेट डेट आपको देना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ जो सर्टिफिकेट नंबर है सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दीजिएगा।
अथवा अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपको आना है यहाँ जो वेरिफिकेशन कोड आपको जो दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे एंटर कर देना है और फाइनली आपको प्रोसीड कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, सबसे पहले यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना है, फोटो स्कैन करके आपको फाइनली अपलोड करना है। आप देख सकते हैं जेपीजी या फिर जेआईएफ फॉर्मेट में आपका होना चाहिए जो कि 20 KB से यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा और यहाँ पे 9 KB से भी कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चूज फाइल करके आपको अपलोड कर लेना है। देख सकते हैं अपलोड फोटो का आपको यहाँ पे जो साइन दिखाई देगा, यहाँ पे एक कैप्चा आप देख सकते हैं फोटो आपका जो होना चाहिए स्कैंड फोटो ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट, यानी कि आपका जो फोटो होना चाहिएगा जैसे मान लीजिए आपका फोटो है उस पर आपको मैनुअली आपको जो भी स्टूडियो में अथवा आपका क्रिएट कर लेना फोटो को, यहाँ पे सिग्नेचर आपको अटेस्टेड होना चाहिए। एक्चुअली मैं आपको दिखाने वाला कैसे आपका फोटो होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अपना जो चूज फाइल करके अपना जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि 20 KB के अंडर में आपका होना चाहिए उससे नीचे, फिर यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट आपको फिल कर लेना है, अदरवाइज आपका देख सकते हैं क्वालिफिकेशन का मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट भी आप अपलोड कर सकते हैं जो कि 500 KB के अंडर में होना चाहिए, टोटली PDF में होना चाहिए यहाँ पे। अथवा आप ST SC से बिलोंग करते हैं हरियाणा कम्युनिटी से तो यहाँ से आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फिल कर लेना है वो भी 500 KB के अंडर में होना चाहिए। फिर आपका यहाँ पे कास्ट आप देख सकते हैं शेड्यूली कॉपी या मार्क्स अंडर जो आपका मेमो होना चाहिए किसी एक्सपीरियंस का, आपने कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है तो उसका आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद टोटली आपका जो भी हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है गाइस, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है टोटली 500 KB के अंडर में और PDF में अपलोड करना, वहीं पर फोटो आपका 20 KB के और सिग्नेचर भी आपका 20 KB के अंडर में होना चाहिए। तो गाइस मैं फोटो आपको दिखा दूं, बिल्कुल इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए जैसे फोटो है, नीचे आपका सिग्नेचर आप देख सकते हैं और इसी तरह फोटो आपको यहाँ पे फाइनली आपको अपलोड करना है गाइस। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे चूज फाइल करके अपना जो आपको दिखाई दे रहा है उसको अपलोड कर लेना है, यानी सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको अपलोड फोटो करके यहाँ पे फाइनली अपलोड कर देना है। तो गाइज बिल्कुल इस तरह से अपना डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर लेना है, आप देख सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुके हैं और आपने जो भी फोटो ID वगैरह आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स मान ली अपलोड कीजिए तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। फाइनली अपलोड जो सेक्शन है उसको क्लिक कीजिएगा तो ऑलरेडी आपको दिखाई देगा क्लिक वेयर टू व्यू, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, अदरवाइज जो आप देख भी सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स इसको जो है अपलोड किया गया है। तो बिल्कुल इस तरह से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा जो वेरिफिकेशन कोड आपको दिखाई दे रहा है इसको यहाँ पे एंटर कर देना है और फाइनली आपको प्रोसीड कर देना है। तो फाइनली गाइज आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। नेक्स्ट आपका जो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो पेमेंट जो है आपको पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो फाइनली इसको फिर से आपको दोबारा क्लिक करना है और अपना जो पेमेंट का प्रोसेस है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से फिर से अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर क्लिक कर लीजिएगा जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर आपको यहाँ से अपना पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा, जो अपना पासवर्ड आपको दिखाई दिया था उसको फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा तो आपका जो पेमेंट का प्रोसेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा गाइज। फाइनली आप देख सकते हैं टोटल आपका ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है आपको टोटली आपको दिखाई देगा, जस्ट आपको नीचे आना और सबमिट एप्लीकेशन प्रोसेस आपको जो फी पेमेंट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे वेरियस आप दिखाई देगा आपका टोटली आप देख सकते हैं जो भी आपका पेमेंट का प्रोसेस है आपको ऐसे आपको फिल करना चाहते हैं आप देख सकते हैं टोटली फिल कर लीजिए। यहाँ पे नेट बैंकिंग और आपका फी चलान दोनों ऑप्शन है, आप चाहे तो फी चलान अथवा नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं तो सारे ऑप्शन आपको ओपन हो जाएंगे। नेट बैंकिंग से फिर आपको बैंक नेम आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा अथवा बिल्कुल आप फी चलान से करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरह से आप जो भी पेमेंट से फिल करना चाहते हैं बिल्कुल इस तरह से फिल कर सकते हैं। कितना अमाउंट शो करेगा अपना ईमेल ID यहाँ पे फिल कीजिएगा। नेक्स्ट आपका अपना मोबाइल नंबर फिल कर लीजिएगा, उसके बाद फिल करने के बाद यहाँ से मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखा देगा इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आप प्रिंट चालान पे क्लिक करके एक चालान होगा उसके बाद बैंक थ्रू आप जमा कर सकते हैं अथवा ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आप तो नेट बैंकिंग करना पड़ेगा फिर, अथवा आप नेट बैंकिंग अथवा UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह ऑप्शन आपको चूज मिल जाएगा, देख सकते हैं डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, SBI डेबिट कार्ड, कुछ भी बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन पेमेंट का, आप चाहे जिससे भी इसको पेमेंट कर सकते हैं गाइस। अगर आप डेबिट कार्ड से ATM से पेमेंट करना चाहते हैं देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे बिल्कुल इस तरह से। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कन्फर्म कर देना है, कन्फर्म करने के बाद फिर आपसे एक बार आएगा कन्फर्म करने के लिए कितने रुपये आपको मांगा जा रहा है आपको टोटली शो करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ से अपना कार्ड नंबर वैलिड थ्रू डेट अगर हो गया, कार्ड होल्डर नेम आपको CVV एंटर करने के बाद ये कैप्चा एंटर करने के बाद पे क्लिक करना है। फाइनली आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उस पर OTP जाएगा, OTP एंटर करने के बाद फाइनली आपका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट स्लिप डाउनलोड कर, अदरवाइज इसको फाइनल प्रिंट आप निकाल लीजिएगा गाइज। तो गाइज बिल्कुल इस तरह से आपका जो HSCC का जो यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो
फॉर्म निकला है इसको बिल्कुल इसी तरह से ऑनलाइन फिलअप करना। आई होप आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी प्रॉब्लम या डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको डाउट लगे, कहीं पर भी डिस्टर्ब लगे, आप कमेंट कीजिए, आपकी हेल्प की जाएगी। अदरवाइज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब की पल पल की अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।